मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आजकल कोरोना वायरस इन्फेक्शन चल रहा है, हालांकि केसेज अब कम हो गए हैं क्योंकि अब जून का महीना है। पहले लेकिन अप्रैल मई के अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेज थे, लेकिन अब ये जो केसेज ठीक हो चुके हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स फिर भी बच गई हैं। अधिकतर लोगों को वीकनेस काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन अब कुछ ऐसे केसेज भी आने शुरू हुए हैं जिसके अंदर रोगी के कमर में दर्द रहता है, खासतौर पर लोअर बैक के अंदर दर्द काफ़ी रहता है। और यह लोअर बैक का दर्द जब कोरोना इन्फेक्शन हुआ था उस टाइम पर भी कुछ लोगों को दूसरे तीसरे दिन शुरू हुआ, और उसके बाद में सातवें आठवें दिन भी चल रहा था, किसी को 10-12 दिन तक भी चला। लेकिन कुछ ऐसे रोगी भी हैं जिनको उसके बाद भी, मतलब बुखार पूरा ठीक हो गया है, बुखार ठीक हुए भी उनका 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते भी निकल चुके हैं, लेकिन दर्द उनका कमर का नहीं जा रहा है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, आइए उसके ऊपर एक चर्चा करते हैं। कि जो लोग पहले भी, क्योंकि लॉकडाउन था तो उस वजह से घर में लेथारी थे, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल चल रहा था, ऊपर से फिर कोरोना हो गया तो उसकी वजह से बिल्कुल ही बिस्तर में लेटना पड़ा, उसकी वजह से फिर कमजोरी आ गई और कमर में दर्द रहना शुरू हो गया, क्योंकि बिल्कुल ही सीधे लेटे हुए थे और कुछ कर ही नहीं रहे थे। इसके अतिरिक्त जो लोग इतनी कमजोरी के बाद फिर एकदम अगर मूवमेंट के अंदर आए तो उनके भी फिर कमर में दर्द होने लगा। कुछ को उसका ये मान लीजिए कि कोरोना ठीक हो गया, लेकिन उसके कुछ जो सिम्टम्स बचे रह गए थे, जिस तरह वीकनेस बची रही है, लोगों को ऐसे ही कमर में दर्द भी बचा रहा है। और क्योंकि जो ज़्यादा बड़ी उम्र के होते हैं उनके डिजेनरेटिव चेंजेस वैसे ही लंबर रीजन में हुई हुई होती हैं, तो उनको भी ये दर्द ज़्यादा सताने लगा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा काम क्या करना चाहिए कि रोगी को अपना थोड़ा दिनचर्या के अंदर परिवर्तन करना चाहिए। सारे दिन बैठे रहने के बजाय थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा इवनिंग वॉक करें, मॉर्निंग के अंदर करीब 20-25 मिनट योगा भी जरूर करें और शाम को भी थोड़ा सा योगा जरूर करें। लाइट एक्सरसाइज जो कमर की होती हैं वो जरूर करें, और शोल्डर वाली भी करें, और कमर में पीछे झुकने की करते हैं, आगे झुकने की करते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे करें। एकदम अगर करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा नुकसान भी हो, तो आराम से एक्सरसाइज अवश्य करें दोनों टाइम। और जिनका सिर्फ बैठ के काम करने का है वो क्या करें कि आधे घंटे बाद हर बार अपनी चेयर से उठें, थोड़ा 2-3 मिनट टहल कर आएँ, फिर आके बैठ के काम करें। तो इस तरह से वो इस अपने को करते रहेंगे तो इससे भी उनकी कमर के दर्द के अंदर लाभ मिलेगा उनको। इसके तो होम्योपैथी के अंदर और कई दवाइयाँ भी जिनके प्रयोग से भी यह दर्द उनका ठीक हो जाएगा। सबसे पहले उसके अंदर एक नाम आता है जिसका नाम है रसरक्स। रसरक्स लेने से रोगी के कमर में बहुत ही ज़्यादा अशक्ति लाभ होता है। जिनको साथ में वीकनेस भी लग रही है, कोई डिप्रेशन जैसी फीलिंग भी हो रही है, तो एक मेडिसिन है साइपेरिडियम, तो ये साइपेरिडियम 30 की कुछ एक खुराक लेने से भी रोगी ठीक हो जाता है। जिनको बिल्कुल भी हिलने डुलने से दर्द होता है, बिल्कुल नहीं हिला डुल जा रहा, तो उनको ब्राइनिया नाम की दवाई बहुत अच्छा काम करेगी, वो दी जा सकती है। और थोड़ा जो आराम करना है वो तो करना ही है। इसके अतिरिक्त और भी कई दवाइयाँ जैसे अर्टिका, यूरेंस, मद टिंचर, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है कमर दर्द के लिए। और अनेक दवाइयाँ हैं जो लक्षणों के अनुसार होम्योपैथी में दी जाती हैं, जिनका प्रयोग डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, वो आपको आपके सिम्टम्स के अनुसार बहुत अच्छी से कोई दवाई बताएंगे, और जिसको लेने से आपका यह दर्द 2-3 हफ्ते में ही पूर्णतया ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।